दोस्तों, आज का ये वीडियो खासकर ग्राम पंचायतों में कार्यरत हमारे सचिव और ग्राम रोजगार सहायक साथियों के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप मनरेगा योजना की कैश बुक और जनरल लेजर ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको कैश बुक दिख रही है, ये कुछ इस प्रकार की कैश बुक ऑनलाइन आपको बना के आपके व्हाट्सएप नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, किस प्रकार से आप ये कैश बुक और जनरल लेजर बनवा सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने ये जनरल लेजर का प्रारूप है, ये भी आपको आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए, उसी से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा योजना पूरे भारत में लगभग सभी ग्राम पंचायतों में चल रही है। इस योजना में कैश बुक यानी रोकड़ बही बनाकर संधारित करना सभी ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य होता है। सभी सचिव और ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा योजना की कैश बुक ऑफलाइन यानी पेन से ही लिखते हैं, लेकिन इसमें काफी समय लगता है और गलतियां होने की संभावना भी होती है। तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान किया है श्री राधेश्याम जी लोहार, सचिव ग्राम पंचायत धान्य दीवान, जनपद पंचायत गरौट, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश ने। इनको कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है और दोस्तों, ये मनरेगा पोर्टल से ऑनलाइन भारत की किसी भी ग्राम पंचायत की मनरेगा योजना की कैश बुक बना देते हैं। दोस्तों, अगर किसी सचिव महोदय, ग्राम रोजगार सहायक महोदय को मनरेगा योजना की कैश बुक बनवाना है जो कि चालू वित्तीय वर्ष की या वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक किसी भी वर्ष की कैश बुक एवं साथ में उसी वर्ष का मनरेगा का जनरल लेजर, डेबिट लेजर बनवाना हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहां से देखकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कैश बुक बनाने के लिए राशि का भुगतान करना होगा। भुगतान होने पर कैश बुक की पीडीएफ फाइल बनाकर आपके व्हाट्सएप नंबर पर या आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दी जाएगी। कैश बुक की पीडीएफ फाइल की प्रिंट कैसे निकालते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दे रहा हूँ। प्रिंट निकालने के बाद आप कैश बुक की बाइंडिंग करवा लें ताकि वह अच्छी तरह से और प्रोफेशनल दिखे, जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देखा। दोस्तों, कैश बुक में आपको प्रत्येक मास्टर रोल और बिल वाउचर का विस्तार से विवरण मिलेगा, जैसे बिल नंबर, वेंडर का नाम, कार्य का नाम एवं प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के नाम आदि की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, ये डेमो कैश बुक और जनरल लेजर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष की कैश बुक की राशि मात्र 500 रुपये है, जिसके साथ दोस्तों आपको ये जनरल लेजर फ्री मिलेगा। अगर दोस्तों, अगर आपको भी अपनी मनरेगा योजना की कैश बुक बनवानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है, आप वहां से अभी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सचिव महोदय की जानकारी आप पीआरडी पोर्टल से वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सिंपली PRD.MP.GOV.IN पोर्टल ओपन करता हूं और दोस्तों यहां पे क्लिक करता हूं, ग्राम पंचायत की वेबसाइट इसके ऊपर क्लिक करता हूं और दोस्तों यहां से मैं जिला चुनता हूं मंदसौर, जनपद चुनता हूं गरौट और ग्राम पंचायत धामने दीवान चुनता हूं और ग्राम पंचायत की वेबसाइट डैशबोर्ड देखिए इसके ऊपर क्लिक करता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे सचिव महोदय की जानकारी आ गई है, राधेश्याम देवड़ा और उनके मोबाइल नंबर आ रहे हैं। इस प्रकार से आप हमारे सचिव महोदय की जानकारी कंफर्मेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि कैश बुक की पीडीएफ फाइल आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी पर प्राप्त होने के पश्चात आप उसकी प्रिंट आउट किस प्रकार से निकाल सकते हैं और बाद में उसकी बाइंडिंग करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास एक डेमो कैश बुक है जिसमें 20 पेज है, तो आपको उसके आधे पेज प्रिंट आउट निकालने हैं। जैसे कि किसी कैश बुक में 20 पेज है तो आपको पहले 1 से लेकर 10 पेज की प्रिंट आउट निकालनी है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहां से मैंने पेजेस 1 से 10 सिलेक्ट किया और प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखिए दोस्तों, हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है।
तो देखिए दोस्तों, हमारे आधे पेज प्रिंट आउट हो गए हैं, कुछ इस प्रकार से आपको प्रिंट आउट मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला पेज है, ये आपको यहाँ से इससे प्रिंटिंग से निकाल के अलग रख लेना है। इस पे हमको किसी प्रकार की कोई प्रिंटिंग नहीं करनी है। मैं इसको निकाल के अलग रख लेता हूं। उसके बाद दोस्तों जो बाकी के पेज हमको बचेंगे, उसको आपको इनके पीछे प्रिंट आउट करनी है। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो 10 नंबर का पेज है, यानी कि जो लास्ट पेज है, वो सबसे लास्ट में रहेगा। मेन पेज को उल्टा करके प्रिंटर में वापस लगा देता हूं। पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 10 पेज तक की प्रिंट आउट निकाली थी, अब हम 11 से लेकर 20 तक पेज की प्रिंट आउट निकालेंगे। मैं यहां पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूं दोस्तों, और यहां पर पेज सिलेक्ट करता हूं 11 से लगाकर 20 तक, और प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमने प्रिंट आउट निकाली थी, उसी के पीछे यहां पर प्रिंट आउट होनी चालू हो जाएगी, और दोस्तों एक बुक की तरह आपकी केस बुक बन जाएगी। दोस्तों यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर प्रिंटर डबल पेज ना खींच ले या कागज ना फंस जाए, नहीं तो आपके पेज का सीरियल बिगड़ जाएगा। यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, हमारी केसबुक की प्रिंट आउट पूरी हो गई है। अब जो हमने पहले पेज का पेज निकाला था, वो भी हम इसमें लगा देते हैं। जो पहला पेज हमने शुरू में अलग रखा था, वो इसमें हम जोड़ देते हैं साथ में। देखिए दोस्तों, ये हमारी केसबुक पूरी प्रिंट आउट हो गई है, जिसमें सीरियल इसका पूरा जम गया है। एक बार आप मैन्युअली इसको पूरा पलट कर देख लें कि सभी पेज एक साथ प्रिंट में लगे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों, आप कुछ इस प्रकार से अपनी केसबुक को स्टेपल कर लीजिए। दोस्तों केसबुक प्रिंट होने के पश्चात आपको केसबुक के फ्रंट पेज पर एक कवर पेज भी लगाना होगा। ये भी आपको व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा मिल जाएगा। सिंपली आपको इसकी प्रिंट आउट निकाल के फ्रंट पेज पर लगा लेना है। और दोस्तों, केसबुक से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या आने पर, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप उनके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मनरेगा केसबुक बनाने की पूरी प्रोसेस। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक कीजिए। आपकी कोई समस्या है, सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।